सर, ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और इसे कैसे किया जाता है, ज़रा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांतों की प्रॉब्लम है, दांतों में दर्द रहता है या सेंसिटिविटी रहती है, तो वो लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास और जो आपके दांत सड़ जाते हैं और जो डेंटिस्ट है, कई बार ऐसा होता है कि वो दांत निकालना पड़ता है, इसकी नौबत ना आए, तो ये पूरा ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? देखिए, रूट कनाल ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट्री में, क्योंकि इससे दांत को निकालने का जो पहले दांत में दर्द हुआ तो निकाल दो वो वाला प्रॉब्लम नहीं, अब रूट कनाल से आप बचा सकते हैं दांत। और रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब दांत में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि दांत की तीन लेयर्स होती है, पहले इनेमल, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है इनेमल, उसके नीचे एक डेंटिन होता है, उसके नीचे हमारा पल्प होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। जब ये कैविटी जो डिके है, टूथ डिके जो सड़न है, वो जब पल्प तक पहुंच जाता है तब आपको पेन और सेंसिटिविटी का इशू शुरू होता है जी। और उसके लिए जो डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम इन्फेक्टेड पल्प जो होता है, जो पल्प इन्फेक्ट हो गया डिके से, उसको हम निकाल देते हैं और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास जिनको फाइल्स बोलते हैं, उसकी मदद से हम उस पल्प को निकाल देते हैं, साफ करते हैं, इरिगेंट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं धोने के लिए उस पल्प को, और उसके बाद उसको हम भर देते हैं और उसके बाद क्राउन करते हैं, दांत को प्रोटेक्ट किया जाता है कैप लगा के। तो ये रूट कनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है जिसकी वजह से दांत को निकालना नहीं पड़ता है और ये बहुत ही ज़रूरी ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका नीड तभी होता है जब दांत में दर्द हो रहा है, परेशान सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है और फिलिंग से भी वो क्योर नहीं हो पाती है, तो फिर हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, एक मिथ भी ये लोगों में बना हुआ है कि जब RCT आप कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उन नसों को काट दिया जाता है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा होता है, आप दर्द में होते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो ब्रेन में भी पड़ता है, क्या ये मिथ है या वाकई ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया है? देखिए, डेंटिस्ट रिलेटेड बहुत सारे मिथ चलते हैं, इसमें जैसा कि आपने एक मिथ अभी बताया, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेंटल जो नर्व्स होती है बहुत ही छोटी, सिर्फ दांत तक रहती है, जो नर्व हम काटते हैं वो दांत के ही अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती है जिनका काम सिर्फ दांत के सेंसिटिविटी के लिए होता है, तो उसके कटने से आपके ब्रेन में या फिर किसी से भी आपकी आईज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिथ ये भी है कि दांत निकालने से या रूट कनाल ट्रीटमेंट से हमारी आंखों पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रीटमेंट के बाद आपको पेन से रिलीफ मिलता है, उसके अलावा कोई परेशानी आपको कोई ऐसा नहीं इफेक्ट रहता है। इसके अलावा आपके टीथ हेल्दी रहे इसके लिए हमें किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहिए, किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे दांतों को कैल्शियम प्रोवाइड करे, और जो दांतों का कैल्शियम, हम कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो कैल्शियम घटता रहता है, हम अपने दांतों को प्रोटेक्ट रख सकें उसके लिए हमें किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें हाइजीन हैबिट्स अपना लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रशिंग बहुत जरूरी है, दोनों टाइम का ब्रशिंग, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो ब्रशिंग बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैंने बताया, हाइजीन मेंटेनेंस के लिए आप रिंसेस को लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरडेंटल स्पेसेस को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ब्रशिंग से जो दो दांतों के बीच में जो स्पेसेस रहते हैं उनमें थोड़ा सा क्लीनिंग नहीं हो पाता है, उसके लिए डेंटल फ्लॉस आते हैं धागे जैसा, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल रहते हैं, उन फ्लॉस से आप क्लीनिंग कर सकते हैं इंटरडेंटल स्पेसेस की, और इंटरडेंटल ब्रशेस भी आते हैं छोटे छोटे जो दो दांतों के बीच के स्पेस को साफ करने के लिए। उसके अलावा टंग को क्लीन करना बहुत जरूरी है, पूरी ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए आप रिंसेस कर सकते हैं। अगर आप माउथ वॉश नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है, दिन में 2-3 बार करना है, वार्म सेलाइन रिंसेस। आपने पूछा खाने पीने के लिए, जी बिल्कुल, आपको जो इस तरह का खाना मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है और जो स्टिकी फूड है, टॉफी चॉकलेट इस तरह और जंक फूड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, इससे आपको दूरी बना के रखना है, और अगर खाने का है तो उसके बाद आपको सफाई जरूर रखनी।